हाइटर भी कर रहा हूँ। बोल 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 तो बोल। सामने में देखो कितना गार गिर रहा है और परिवार भी गार गिर रहा है, सब गार गार बारिश हो रहा है। नींबू से बड़ा हाथ बादरी ने किसी तो नहाने पड़ू कर सके। बाजरा डाल दिया है, मतलब बाजरे डालने से है ना बारीक बारीक हो जाता है बर्फ, ऐसा हमारा मान्यता है। बाकी सब उसकी लीला है कैसा बरसना है। देखिए फैमिली है कार बर्फ, मम्मी जी बोल रही है जैसे छोटे बच्चे होते ना उनको हम देव बोलते हैं और कुछ बोदरी ऐसा कुछ होता है, है? गौरी 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 जो निकलती है छोटे बच्चों को उसको है ना, इसका बर्फ जो गिरते है इसका पानी थोड़ा सा भी पिलाने में बहुत मायना होता है, जो छोटे बच्चों को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है उसमें है ना,
ऐसा नुस्खा मतलब मानो ऐसा दवाई है ना कहीं नहीं मिलेगा उस समय पर, ऐसे इसलिए इस बर्फ़ को है ना पिघल जाने देंगे और बोतल में ये पानी डालकर रखेंगे, जो कभी भी ऐसा कुछ रहा तो ऐसे बच्चों को है ना पिलाने में काम आता है। जो आप तो समझ सकते हो गौरी होती है, कुछ छोटे बच्चे होते हैं उनमें निकलता है, ये सारा शरीर में ऐसे ये सब गर्माई के जैसे उभरता है और वो बहुत गर्म होता है, हो जाता है, ऐसा रहता है। उस समय पर इसका थोड़ा सा पानी पिला देने से बहुत मायने रखता है ये, इसलिए मम्मी जी बोल रहे रखने के, तो हम रख लेते हैं बोतल में डालकर पैक करके रख लिए। तो दोस्तों फैमिली, बरसात बंद हो गया है और देखिए मम्मी जी भी बैठी है और घर में सब पानी पानी हो गया है। ये बच्चे पार्टी अपनी गैंग निकल गई है रे बीड़ो, किधर जा रही ले है? अरे ओ दूर जाने का अभी, हाँ उधर खोरे में जाने का। सब निकल पड़े हैं अभी, बरसात रुक गया है तो। और यह देखिए बर्फ की वजह से मानो झाड़ के सब पत्ते पत्ते भी टूटकर बिखर गए हैं। और ये पूजा लखानी तो अंदर है, ये भी सब निकल पड़े हैं अपने छचुंदर बिड़ू, जल्दी जल्दी से घर में आ जाने का, बाहर ज़्यादा देर फिरने का नहीं। और ये देखो नीलकंठ का पैर बांध कर रखा था, बहुत बर्फ़ गिर रही थी तो बाहर दौड़ दौड़ कर जा रहे थे, और बकरियों को घास तो ला लिया था तो, और यहाँ पर खाने का तैयारी बन रहा है। और आप देख सकते हो बहुत दिनों से है ना अपना गैस का तैयारी हो रहा है, गैस के ऊपर है ना आज खाना बनने वाला है, क्योंकि लकड़ियाँ सब गीली हो गई है इस कारण से। और इस ओर का माहौल देखिए आप, ऐसा दिख रहा है। और सूरज अभी डूबा नहीं है, ऊपर बहुत अभी भी ऊपर ही है। और सारी बकरियां तो हमने छोड़ दी है, बारिश में बहुत बड़ी बड़ी बर्फ़ गिर रही थी तो घर में डाल दिए थे, और बरसात रुकने के बाद उधर चरने के लिए निकल गई है। तो चलो फैमिली, आप सभी का मोस्ट वेलकम रहा तहे दिल से। आप सभी ने हमारे घर का माहौल देखा, कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइएगा। और अभी तो खाना पीना बनाएंगे और खाएंगे हम सब, गैस हंडी पर खाना बनेगा, दीदी की कृपा से हमने गैस हंडी बचा कर रखा है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए और आप सभी का प्यार आशीर्वाद देते रहिए। फैमिली नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खंडेश।